देखिए हमारी लौकी की कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लौकी की सब्जी को टेस्टी कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो लौकी, दो स्मॉल साइज के टमाटर जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को आप जितना फाइन चॉप कर सकते हैं उतना चॉप कर लें, क्योंकि टमाटर से लौकी का कलर भी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप टमाटर को इसमें प्यूरी की फॉर्म में यूज करते हैं तो उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसको फाइन चॉप करके ही यूज करें। एक मीडियम साइज की हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है नींबू का रस, और मसालों में मैंने लिया है हींग, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1/4 टेबल स्पून जीरा, एक गिलास पानी। अब करते हैं तड़के की तैयारी। मैंने कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी, आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले डालेंगे इसमें हींग, वन फोर्थ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी। अब डालेंगे इसमें चॉप्ड हरी मिर्च और टमाटर, और इनको तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर से घी बाहर ना आने लगे। अब जब तक हमारे टमाटर कुक होते हैं, इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगी एक स्पेशल ट्रिक। मैंने लौकी के बीच में से दो पीस करके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। यदि आप इस तरह चॉप करते हैं तो आपकी लौकी अच्छे से और जल्दी से कुक हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी लौकी पक्की निकल आती है और वो काफी विशल देने के बाद भी अच्छे से कुक नहीं हो पाती है। अगर आप इस तरह से पीस करते हैं तो आपकी लौकी हमेशा अच्छे से कुक होगी। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। मैंने टमाटर में थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि इन सब्जियों में घी और मसाले कम ही अच्छे लगते हैं। अब डालेंगे इसमें 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, हाफ टेबल स्पून नींबू का रस और पानी, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें चार विशल लगा लें। मैंने चार विशल लगा करके कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दिया। अगर आपको जल्दी है तो आप एक या दो विशल ज़्यादा लगाकर तुरंत भी खोल सकते हैं। अब इसमें इस तरह से करछी मारकर इसे ठीक कर लें। देखिए हमारी लौकी की कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हरा धनिया डालकर सर्व करें।